ऊपर की ओर घुमाए और माध्यमिक उंगली को देखे। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आए। अब दोनों पैरों को मिलाए और हाथों को भी वापस आए। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। इसी पोजीशन में अपने मिनिमम 2 फीट का गैप कर लें, पैरों में गैप करा लें। ये जिस पोजीशन में इजीली आप खड़े हो सकते हैं। अब शोल्डर को ट्विस्ट करेंगे, हाथों को ट्विस्ट करेंगे, हाथों को सामने रखेंगे। एक बार देख लीजिए, हाथों को सामने रखें, हटेंगे आपस में एक दूसरे के सामने। अब इसी पोजिशन में पांच छोड़ते हुए राइट ट्विस्ट करना है, पूरा पीछे वाले आपको देखना है। राइट साइड, राइट साइड और लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर को टच करना है और होल्ड करेंगे उसी। कम बैक, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इसी पोजीशन में पैरों में पैरों को मिला के रखें, 2 इंचेस का गैप रहेगा पैरों में, केवल 2 इंचेस का गैप रखें, पैरों को मिला के रखें। अब इसी पोजीशन में करेंगे पाद हस्तासन, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, जितना ऊपर खींच सकते हैं, दोनों हाथों को ऊपर खींच के रखेंगे, सामने देखते जाएं, श्वास को बाहर छोड़ते हुए हाथों को जमीन से टच कराने की कोशिश करें। स्टार्ट, श्वास छोड़ते हुए, वेरी गुड। और हाथों को साइड में रख लें, पैरों को साइड में रख लें, सिर को घुटने से टच कराने की कोशिश करें जितना हो सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है। स्लोली कम है, धीरे धीरे वापस आएंगे।